फरिश्तेदा कोई आम जगह का नाम नहीं है। जब भी कहीं फरिश्तेदा बिछाई जाती है तो 70,000 मलाइका फरिश्तेदा पर आ जाते हैं। तवज्जो करिएगा, 70,000 मलाइका फरिश्तेदा पर आ जाते हैं। दो ही मौके मैंने देखे जब परवरदिगार आलम कहता है इबादत छोड़ो, एक या तो हुसैन की विलादत के वक्त या तो फर्श-ए-अदा बिछाने के वक्त। परवरदिगार कहता 70,000 मलाइका फर्श-ए-अदा पर आते हैं। जब मैंने नाम पढ़ना शुरू किया तो उन मलाइका में मुझे नाम नजर आया जिब्राइल का, दर्दाइल का, इसराफील का, फितुरुस का। हाय हाय, जरा तवज्जो करिएगा, ये जो खामोशियों का रोजा रखे हुए, जरा इस रोजे को तोड़िए और मेरे साथ इस कायनात की सबसे अजीम इबादत में मिल जाइए। तवज्जो करिएगा, जुमला हाजिर करने जा रहा हूं। क्या जब मैंने नाम पढ़ा तो मुझे नजर आया कि जिब्राइल भी आते हैं, दर्दाइल भी आते हैं, इसराफील भी आते हैं, फितुरुस भी आते हैं, और मुझे एक नाम नजर आया मलकुल मौत भी आता है। ज्यादा सा तवज्जो करेगा, ज्यादा नहीं तवज्जो करेगा, क्या मलकुल मौत भी आता है। मैंने कहा ए परवरदिगार आलम, फर्श-ए-अदा पर मलकुल मौत का क्या काम? परवरदिगार आलम ने आवाज दी, सुनो मैं मलकुल मौत को भेजता हूँ, जाओ सबके दिलों को टटोलो, सबके दिलों को झांको और आकर मुझे बताओ कौन इबादत करने आया है, कौन सियासत के लिए। जिक्र करने वाले का मोहताज नहीं है, इसलिए कि जहाँ कहीं भी फर्श-ए-अदा बिछाई जाती है 70,000 मलाइका के साथ साथ आदम भी आ जाते हैं, नूह भी आ जाते हैं, लूत भी आ जाते हैं, इब्राहिम भी आ जाते हैं, इस्माइल भी आ जाते हैं, जकरिया भी आ जाते हैं, सोले भी आ जाते हैं, यूनुस भी आ जाते हैं, इदरीस भी आ जाते हैं, दाऊद भी आ जाते हैं, सुलेमान भी आ जाते हैं, अनुज भी आ जाते हैं, लूत भी आ जाते हैं, खिज्र भी आ जाते हैं, तमाम के तमाम मलाइका ईसा भी आ जाते हैं, वो तमाम के तमाम नबी ईसा भी आ जाते हैं, मूसा भी आ जाते हैं, और उन्हीं नामों में मिलता है सरकार दो आलम भी आते हैं। आप देखिए आने का आलम क्या होता है। जब एक मतलब परवरदिगार आलम ने कहा मेरे हबीब चले आओ, मेरे हबीब चले आओ। एक मतलब रसूल खुदा नालायन पहनते हुए चले और चलने के बाद पहले अर्श पर पहुंचे, पहुंचने के बाद कहते परवरदिगार आलम नालायन उतार दू, कहा नहीं तुम तो मेरे हबीब हो, पहले चले आओ। एक मतलब दूसरे आसमान पर पहुंचे, आवाज दी परवरदिगार आलम नालायन उतार दू, कहा नहीं चले आओ तुम तो मेरे ताहा हो। जो करेगा इस तरीके से नहीं, सरकार मुझे वो जबानें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जो चौराहों पर बड़ी तेजी से बोलती है, लेकिन फजाइल आले मोहम्मद सुनकर वो गूंगी पड़ जाती है। हाथों को उठाया करिए, इसलिए कि मेरा मौला नहजुल बलागा में फरमा रहा है बोलो ताकि पहचाने जाओ, बोलो ताकि पहचाने जाओ। माला क्यों बोले का? इसलिए कि हर इंसान अपनी जबान के पीछे छुपा हुआ है। जब इंसान कलाम करता है पता चलता है घर की तहजीब कैसी है, घर की तहजीब कैसी है, रहन सहन कैसा है, औलाद है किसी का तो पता चलता, वालिद कैसा है, वालिद बोलता कैसा है। इसलिए कि हर बेटा अपने बाप की तफसील होता है। जब बेटा कलाम करता है तो पता चलता बाप कैसा है। हरे
चले आओ, मेरा रसूल चला। चलने के बाद पहले आसमान पहुंचा, परवरदिगार आलम नालायन उतार दूंगा नहीं, तुम तो मेरे ताहा हो, चले आओ। दूसरे आसमान पे पहुंचा, पहुंचे परवरदिगार आलम तुझसे करीब होता चला जा रहा हूँ, उतार दूं का नहीं, तुम तो मेरे यासीन हो। रसालत सुना ना, सुनिएगा फर्शे अदा की अजमत क्या है। इसके बाद एक मरतबा और जब बुलंदियों पे चला मेरा रसूल, तीसरे आसमान पे पहुंचा, परवरदिगार आलम तुझसे और करीब हो जा रहा हूँ, नालायन उतार दूं नहीं, तुम तो मेरे बशीर हो। परवरदिगार आलम तुम तो मेरे, परवरदिगार आलम कहता तुम तो मेरे बशीर हो। इसके बाद परवरदिगार आलम से मेरा हबीब और करीब होता चला जाता है। चौथे आसमान पे पहुंचा, मेरे हबीब चले आओ, तुम तो मेरे बशीर हो। पांचवें आसमान पे पहुंचा, परवरदिगार आलम तुझसे और करीब होता चला जा रहा हूँ, नालायन उतार दूं कहां नहीं, तुम तो मेरे नजीर हो, चले आओ। एक मरतबा और मरतबा रसूल खुदा चलते गए, करीब होते गए। एक मरतबा रसूल खुदा सातवें आसमान पर पहुंचे, परवरदिगार आलम अब तो कुछ ही फासला रह गया है, क्या नालायन उतार दूं नहीं, मेरे हबीब तुम मेरे रहमतुल लिल आलमीन हो, तुम मेरे ताहा हो, तुम मेरे हबीब हो, तुम मेरे बशीर हो, तुम यासीन हो, तुम मुद्दसिर हो, तुम मुजम्मिल हो, चले आओ, चले आओ, चले आओ। अज़ीज़ानो तो फर्श अदा की अज़मत क्या है, सुनिएगा। वही रसूल जो परवरदिगार आलम से मुलाकात करने गया तो नालायन पहन कर आया, और जब फर्श अदा पर आता है नालायन बाहर उतार कर आता है। इंसान आने के बाद फख्र महसूस करता है, बोला हलिया करो अगर आप इदार हैं, कायनात की वाहिद जात हैं, सिद्दीक़े ताहिरा राजिया मर्जिया बुदूर अज़रा उम्मुल हसन उम्मुल अइमा जनाब फातिमा ज़हरा सलाम कायनात की वाहिद ज़ात है जनाब ज़हरा कि आप पूरी 18 साल की उम्र पढ़िए, आपको मिलेगा कभी भी बीवी ने किसी से कुछ नहीं मांगा। इसलिए कि अगर बदाले आले मोहम्मद पे नहीं बोलोगे तो फिर कहां बोलोगे। क्या कायनात की वाहिद जात है जिन्होंने अपनी पूरी 18 साल की उम्र तक कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगा, अल्लाह ने मांगा हिजाब मांगा, अली अली तवज्जो करेगा, अल्लाह ने मांगा हिजाब मांगा, रसूल ने मांगा चादर मांगी, या फातिमा तो इतनी बिल की साहिल यमानी है, फातिमा चादर यमानी ले आओ। मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह क्यों, क्योंकि मैं अपने बदन में ज़ौफ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने बदन में ज़ौफ महसूस कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह हमने देखा है जब हम इंसानों को ज़ौफ होता है तकलीफ होती है तो हम तो तबीब के आ जाते हैं, हकीम के आ जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, आप भी चले जाइए। अजमने की रिसालत आवाज दे, सुनो ये रिसालत का ज़ौफ है। जनाबे फिजा ने मांगा कुरान से गुफ्तगू करने का सलीका मांगा, हाय हजरत तवज्जो करिएगा। आजादारों की अलमा बताने जा रहा हूँ, क्या हसनैन करीमैन शरीफैन नहीं गरैन दुर्रैन
माँ का प्यार मांगा, जनाबे जैनब कुलसुम ने मांगा तो माँ से पर्दा करने का तरीका मांगा, जनाबे फिजा ने मांगा तो कुरान से गुफ्तगू करने का सलीका मांगा, जनाबे मीसम ने मांगा तो कार पे चढ़कर याली याली करने का तरीका मांगा, याली याली करने का तरीका मांगा, और जनाबे बिलाल ने मांगा तो सूरज का निजाम मांगा। लेकिन कायनात की वो हिस्सा है सिद्दीक कहता